आज मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आई हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हमेशा मैं वीडियो के लास्ट में कहती हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज मैं पहले कहने वाली हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप लोग देखकर ऐसे ही छोड़ देते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और जो भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी ऑनेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो मैंने बकवास बहुत कर ली, आप चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। हर कोई परेशान होता है, मेरा स्किन ऑयली है तो मेरा स्किन ड्राई है तो सेंसिटिव है, इसके लिए सबसे बेस्ट वाला फेस वॉश कौन सा होगा। मैं तो कहती हूँ हर स्किन वालों के लिए सेटाफिल कंपनी बेस्ट है। ड्राई स्किन वाले के लिए भी है, ऑयली स्किन वाले के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन वाले के लिए भी है, सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी बेस्ट है। तो ये ऑयली स्किन क्लींज़र है, ड्राई स्किन के लिए अलग आता है, ये सेंसिटिव स्किन के लिए भी है, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी है। अगर आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा पिंपल एक्ने आ रहा है तो उसके लिए तो ये बेस्ट होगा ही। बहुत ज़्यादा आपकी स्किन सेंसिटिव है, कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो आपकी स्किन पे सूट नहीं करता है, तो उसके लिए तो बेस्ट है ही है। तो चलिए मैं इसकी प्राइस की बात कर लूँ, तो इसका रिटेल प्राइस है 596 रुपीज़, जो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है। ऑफलाइन कितने का देता है मुझे नहीं पता। वैसे तो मैंने बहुत सारे फेस वॉश यूज़ कर लिया है, क्योंकि मेरे फेस पे एक्ने भी आता है, पिंपल भी आता है और बहुत ज़्यादा ऑयली भी है, सेंसिटिव भी है। कोई सा भी मैं प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ तो जल्दी वो सूट नहीं करता है, दाना निकल आता है। तो मैं बहुत ही सोच समझ के कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। तो मैंने इतना सारा यूज़ कर लिया, उसके बाद मुझे ये फेस वॉश मिला जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा ही सेटिस्फाई हूँ। ये मेरे स्किन पे बहुत सूट किया है, ये मेरे ही नहीं हर किसी के स्किन पे ये सूट करेगा। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो रिएक्ट कर जाता है आपकी स्किन पे, तो उसके लिए तो ये बेस्ट है। ऑयली स्किन वाले के लिए भी ये बहुत ही बेस्ट है, ड्राई स्किन वाले के लिए ये अलग मिलता है, वो आप परचेज़ कर लेना अगर आपकी स्किन ड्राई है तो। ये फेस वॉश बिल्कुल भी ज़्यादा आप जब इसे यूज़ करोगे तो झाग नहीं बनाता है बिल्कुल। ये इसकी कंसिस्टेंसी की बात करें तो ये एकदम लाइट वेट जेल टाइप का है, जो मैं आगे दिखाऊंगी। इसको तो मैंने पूरा ख़त्म कर चुकी हूँ, इसीलिए मैं और अकेले वीडियो में शूट कर रही हूँ, तो मैं इसको ठीक से इसका कंसिस्टेंसी भी नहीं दिखा पाऊँगी। जैसे दिखाऊँगी आप लोग देख लेना और समझ जाना। और इसमें बिल्कुल भी फ्रेगनेंस की बात करेंगे तो इसका भी फ्रेगनेंस बिल्कुल हार्ड नहीं है, बहुत ही लाइट वेट है। जैसे वो जॉनसन बेबी का जो फ्रेगनेंस होता है, वैसी इसका भी फ्रेगनेंस है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, जब इसे आप यूज़ करोगे तो बहुत ही फ्रेश फील करोगे। ये फेस वॉश ओपन पोर्स को भी ठीक करने में हेल्प करता है और आपकी स्किन को ग्लोई और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बनाने में हेल्प करता है। आप इसे जैसे जैसे यूज़ करोगे ना, आपका स्किन ऐसा लगेगा बेबी स्किन टाइप का हुआ जा रहा है। तो आप इसे यूज़ करें और फिर मुझे ज़रूर बताना कि क्या ये मैंने सही कहा है या गलत कहा है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप कोई मेडिकेटेड क्रीम यूज़ कर रहे हैं जो आपकी स्किन को सेंसिटिव कर दिया है, रेडनेस रहता है उस स्किन वालों के लिए भी ये वाला फेस वॉश बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है। फ्रेंड्स, अगर आपकी स्किन ऐसी है जो कोई भी मेकअप यूज़ करो या कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करो, क्रीम यूज़ करो, तो आपके स्किन पे वो रिएक्ट कर जाता है, पिंपल आ जाता है तुरंत से, तो आपके लिए सेटाफिल का हर प्रोडक्ट बहुत ही बेस्ट रहेगा। इसको यूज़ करो, आप बिल्कुल बेफिक्र होके, मैं कह रही हूँ तो अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं हर प्रोडक्ट को अच्छा नहीं कहती। जो प्रोडक्ट जैसा रिज़ल्ट देता है मैं वैसा ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जिस तरह से मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ बहुत ही चीप लग रहा है, क्योंकि मैं अकेले सूट करती हूँ तो मेरे से नहीं हो पाता, तो बस मैंने ऐसे ही दिखा दिया। आप लोग देख लो कि इसका कंसिस्टेंसी कैसा होता है, बहुत ही लाइट होता है, इसका फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छा होता है। फ्रेंड्स, मैंने इसमें इंग्रेडिएंट वगैरह कैसे यूज़ करना ये सब नहीं बताया, क्योंकि यूज़ करना हर किसी को पता है। बात रहा इंग्रेडिएंट का, जब इसमें कह ही दिया कि पैराबेन फ्री है, डर्मेटोलॉजी रिकमेंडेड है, फिर आप बेफिक्र होकर यूज़ करो। यूज़ करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपके स्किन पर ये सूट करता है कि नहीं करता है। इंग्रेडिएंट तो हर प्रोडक्ट में यही दिखाता है कि अच्छा ही है। लाइक सब्सक्राइब की बात तो मैंने पहले ही कर दिया है, तो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। और जो मेरी अगली वीडियो होगी वो सिंपल फेस वॉश पे होगी, जो बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है फिलहाल, तो मैं उसे यूज़ कर रही हूँ। उसका एक्सपीरियंस भी मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगी, वो भी इसी तरह कुछ क्लेम करता है, तो ये तो अच्छा निकला, उसको भी देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय।